दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश जिनसे आंख मिलाने से भी डरते हैं दुश्मन देश, अगर ये देश जंग के मैदान में उतर जाए तो दुश्मन देश सर पर पांव रखकर भाग जाएंगे। इन देशों से दुश्मन देश आंख मिलाने से भी डरते हैं, इनके मात्र खड़े होने से थर थर कांपने लगते हैं दुश्मन देश। अगर इन ताकतवर देशों का सिर फिर गया तो दुनिया को बर्बाद करने का हिम्मत रखते हैं। अगर ये देश किसी देश पर हमला कर दें तो मानो उस देश पर आसमान टूट जाए। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं और इस साल इस लिस्ट में 2 और देशों का नाम जुड़ गया है, लेकिन इतने सारे देशों में से कौन दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री है जिन पे कब्जा करना नामुमकिन है, जो कि कहलाते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल देश, और कौन से स्थान पर है हमारा प्यारा देश इंडिया, और कौन से स्थान पे है पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। और आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 10, सऊदी अरब। यूं तो ये देश पहले से ही पूरी दुनिया में अपने ऑयल इंडस्ट्रीज और सख्त कानून को लेकर फेमस है। यहाँ पर लोकल लोगों से ज्यादा बाहर के देशों के लोग रहते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। सऊदी अरब देशों में सबसे ऊपर आता है, वही दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल में सऊदी 13वां स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें लगभग 3,60,00,000 लोग रहते हैं, जबकि इस देश में 70% से अधिक बाहरी देश के लोग हैं। हालांकि इसकी सबसे बड़ी आबादी ऑयल इंडस्ट्रीज में काम करती है और यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री मानी जाती है। सऊदी का लगभग 11,000 स्क्वायर मीटर में इसकी ऑयल इंडस्ट्री फैली हुई है, जिसके कारण यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल की निर्यातक है। सऊदी अरब की टोटल GDP 876.148 बिलियन डॉलर की है, जिसके कारण यह दुनिया की 18वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है। सऊदी अपने टोटल GDP का 8.4% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है, इसके कारण ये मिलिट्री पे खर्च करने पर दुनिया में 9वें स्थान पर है। हालांकि सऊदी में मात्र 2,50,000 के आसपास सक्रिय सैनिक हैं, इसके बावजूद ये दुनिया का 10वां सबसे पावरफुल देशों में आता है। अब चलते हैं इससे पावरफुल कंट्री में। नंबर 9, टर्की। दोस्तों, टर्की दुनिया में खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। टर्की एकमात्र ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया में आता है, इसी वजह से इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। टर्की का क्षेत्रफल 7,63,562 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की कुल आबादी लगभग 8,60,00,000 के आसपास है, लेकिन फिर भी यह देश GDP के मामले में दुनिया में 17वें स्थान पर आता है, जिसकी कुल वैल्यू 845 बिलियन डॉलर है। ये अपने मिलिट्री पर अपने GDP का टोटल 2.77% खर्च करता है। टर्की सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। नाटो में सबसे ताकतवर सैनिक और ज्यादा तादाद वाले सैनिकों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जिस वजह से ये देश शक्तिशाली देशों में 9वें स्थान पर आता है। नंबर 8, जर्मनी। जर्मनी का कुल क्षेत्रफल 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8,50,00,000 के आसपास है, जिसकी वजह से ये देश क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोपियन देशों में दूसरे स्थान पर आता है। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, और तो और तकनीकी कामों में इस देश का कोई जवाब नहीं है, जिससे इसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है। इस देश की सबसे अजीबोगरीब ये बात है कि इस देश में सड़कों पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं होती है, यानी कि आप बिंदास अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में चला सकते हैं और पुलिस आपको रोकेगी भी नहीं। अब अगर हम जर्मनी की मिलिट्री की बात करें तो जर्मनी की मिलिट्री यूरोपीय देशों में दूसरे स्थान पर आती है। जर्मनी के पास टोटल 1,85,000 सक्रिय सैनिक है और लगभग 30 से ज्यादा रिजर्व सेना है। जर्मनी अपने टोटल GDP का 1.4% मिलिट्री पर खर्च करता है, लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि कुछ सालों से जर्मनी ने अपने मिलिट्री में किसी को भी भर्ती नहीं किया है, फिर भी ये देश दुनिया में 8वां सबसे ताकतवर देश है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसे दुनिया का सबसे पुराना देशों में से एक माना जाता है। किसी समय फ्रांस विश्व के 8.4% भाग पर राज किया करता था। फ्रांस की जनसंख्या करीब 6.6 करोड़ है, जो इसे दुनिया में 19वां स्थान दिलाती है। फ्रांस की GDP करीब 2.6 खरब डॉलर है, जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी GDP है। फ्रांस की गिनती अमीर देशों में होती है, क्योंकि फ्रांस में लगभग हर व्यक्ति की आय करीब 37,000 डॉलर है। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी है। फ्रांस के पास टोटल 2,70,000 सक्रिय सैनिक है और लगभग 2,20,000 रिजर्व सैनिक है। फ्रांस अपने टोटल GDP का 2.7% मिलिट्री पर खर्च करता है। फ्रांस क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। ये बात शायद आपको हैरान कर देगी कि फ्रांस में हर 5 में से एक इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। ये दुनिया के सबसे उदास देशों में से एक है। फ्रांस की गिनती अमीर देशों में होती है, क्योंकि फ्रांस में लगभग हर व्यक्ति की आय करीब 37,000 डॉलर है, जिसकी वजह से ये देश दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में नंबर 7 पर आता है। नंबर 6, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया एशिया का एक संपन्न और विकसित देश है। इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस देश की
की आबादी की बात की जाए तो 51 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के ऊपर है और इसी वजह से यह देश दुनिया का 29वां सबसे बड़ा देश है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले नंबर पर चीन है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। इसकी जीडीपी की बात की जाए तो $1.3 trillion है और यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 38। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिला से ज्यादा अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक उत्पादन खरीदने में खर्चा करते हैं और एक साल में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। $1000 पर साल है जो कि किसी भी विकसित देश के मुकाबले बहुत अच्छा है और दिन प्रतिदिन इसमें विकास ही हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इस देश की मिलिट्री की बात करें तो इस देश में पुरुषों का मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य है जिसके कारण ये टोटल 4,20,000 सैनिक है और जबकि 30,000 के आसपास रिजर्व सैनिक है। साउथ कोरिया अपने जीडीपी का टोटल 2.50% मिलिट्री पर खर्च करता है जिसकी वजह से ये देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में 6वें स्थान पर आता है। नंबर 5 जापान। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के अनुसार 62वां। जापान की कुल जनसंख्या 12,57,00,000 के आसपास है। जापान पोस्ट दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है जिसे 578 एडी से 2006 के बीच संचालित किया गया था। जापान एनिमेटेड टीवी शो का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसने दुनिया भर का तकरीबन 60% मार्केट शेयर अर्जित कर रखा है। जापान में बहुत कम लोग अप्रवासी हैं क्योंकि यहाँ की कुल जनसंख्या में से 98% लोग खुद जापानी ही है। जापान के 99% लोग पढ़े लिखे हैं जिसकी वजह से यह दुनिया की सबसे अधिक तेजी से विकसित होने वाला देश है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिलिट्री बल को त्याग दिया था लेकिन 1947 में जापान ने एक सार्वजनिक सुरक्षा बल का गठन किया परंतु इसके बाद भी और कई नए संगठनों का निर्माण किया और आज जापान के सैनिकों की कुल जनसंख्या लगभग 2,50,000 है और जबकि 56,000 के आसपास रिजर्व सैनिकों की फौज है। जापान अपने जीडीपी का लगभग 1% अपने मिलिट्री पर खर्च करता है और इसका यह खर्च सैनिकों पर और बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 सालों में जापान ने अपनी मिलिट्री पर 0.6% किया था जिसकी वजह से जापान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में 5वें नंबर पर आता है। नंबर 4 इंडिया। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने भी खूब तरक्की की है जिससे भारत 6.5% अर्थव्यवस्था में वृद्धि आई हुई है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद से इंडिया दूसरे नंबर पर आता है जिससे इसकी टोटल जनसंख्या लगभग 138 करोड़ हो गई है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण भारत मिलिट्री पावर में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है क्योंकि भारत के पास लगभग 14,50,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सैनिक की फौज भी है जिनकी कुल संख्या 11,55,000 है। वहीं पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने जीडीपी का मतलब 3.25 trillion में से 2.9% अपने मिलिट्री पर ही खर्च किया है और हथियार खरीदा है जिसकी वजह से इंडिया दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से 4थे स्थान पर आता है। और कई एक्सपर्ट का कहना है कि 2050 तक आते आते भारत अमेरिका रशिया और सऊदी को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी और दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारतीय मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट और अपनी कल्चर से पूरी दुनिया में बेहद ही मशहूर है और ये अपने फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा से अंतर्राष्ट्रीय दर पर एक ऊंचे देश का दर्जा प्राप्त करती है। नंबर 3 चाइना। तो चलिए अब हम बात करते हैं धोखेबाज चीन के बारे में। वैसे तो हर सुपर पावर देश की एक अलग ही अपनी कहानी होती है, वैसे तो चीन की भी अपनी कहानी है। अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया में अमेरिका के ज्यादा इस देश में सबसे ज्यादा चीजों की खरीदारी होती है जिससे ये पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश में चीन भी है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो उसमें भी चीन दुनिया में नंबर 1 पे आता है। मतलब चीन की 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। और अगर हम इस देश की जीडीपी के बारे में बात करें तो चीन अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। चीन की जीडीपी $13.6 trillion है। क्या आपको पता है कि चीन में हर 1700 में से एक आदमी उद्योगपति है, इसलिए चीन ज्यादातर बाहर के देशों के निवेशियों पर ध्यान देता है। अगर हम चीन की आर्मी की बात करें तो चीन की पीपल्स आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल सेना है। अगर हम चीन की कुल सेना की जनसंख्या की बात करें तो उसमें 22 लाख के आसपास नंबर है और लगभग 11,70,000 रिजर्व सेना है। चीन अपने जीडीपी का 1.7% अपने आर्मी पर खर्च करता है। नंबर 2 रशिया। अगर हम रूस की मिलिट्री की बात करें तो ग्लोबल फेयर पावर से ये पता चलता है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले ही रूस के पास लगभग 6,000 न्यूक्लियर मिसाइल हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके कारण कोई भी देश रूस से टक्कर लेने की सोचता भी नहीं है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 17,98,242 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। अब हम अगर इस देश की जनसंख्या की बात करें तो 14,41,00,000 के आसपास है और रूस की मिलिट्री बजट दुनिया में 4थे नंबर पर आता है जो कि रूस अपने जीडीपी का $61.7 बिलियन यानी कि रूस अपने टोटल जीडीपी का 4
4.3% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। रूस की जीडीपी 2.133 ट्रिलियन डॉलर है। रूस एक ऑयल इंडस्ट्री का भी देश है जो कि इसे ऑयल इंडस्ट्री में दुनिया में दूसरे स्थान पर लाती है। नंबर एक अमेरिका। अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन यह देश हमेशा से ही ऐसा नहीं था। दरअसल अमेरिका 1889 से ही हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। यानी मौजूदा समय में अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर एक पर आता है। अमेरिका हर एक चीज में दुनिया में नंबर एक पर राज करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा 25.66 ट्रिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से अमेरिका में दुनिया की सबसे पावरफुल सेना है। और हर साल अमेरिका अपनी सेना पे 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अमेरिका की एक्टिव आर्मी की कुल संख्या 13,77,000 के आसपास बताई जाती है, और अगर हम इस देश की रिजर्व आर्मी की बात करें तो वो 8,00,000 के आसपास है। और इन्हीं सब वजहों से अमेरिका को दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री भी माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के रोचक तथ्यों को आगे बढ़ाएं, जिससे इस तरह की वीडियोस को हम आपके लिए लेकर आ सकें।